ईद के बाद पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगे सलमान खान और रणबीर कपूर, आखिर किसकी होगी जीत? जी हाँ, इन दिनों सलमान खान की फिल्म रेस 3 और रणबीर कपूर की कमबैक फिल्म संजू की काफ़ी चर्चा है। बता दें कि इन दोनों फिल्मों को लेकर एक ज़बरदस्त खबर सामने आ रही है। रेस 3 और संजू भले ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ना भिड़े, लेकिन पाकिस्तान के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने पाकिस्तान में दोनों ही फिल्म एक साथ ही रिलीज होगी। बीते दिनों ही हम आपको अपनी एक रिपोर्ट में बता चुके हैं कि पाकिस्तान में ईद से 2 दिन पहले और ईद के 2 हफ्ते तक किसी भी भारतीय फिल्म को रिलीज करने पर बैन लगा दिया गया है। इसके चलते 15 जून को रिलीज होने वाली रेस 3 अब पाकिस्तान में 29 जून के दिन रिलीज होगी। इसी दिन राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित फिल्म संजू भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी रिलीज हो रही है, और इस तरह से पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर सलमान और रणबीर आमने सामने होंगे। एक सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी खबर में बताया है कि दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होगी, लेकिन यहाँ के लोग संजू के लिए ज़्यादा उत्साहित है। रेस 3 भी अच्छा प्रदर्शन करेगी क्योंकि सलमान खान के फैंस की तादाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, और उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान ने पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात की जाए रेस 3 की तो इस फिल्म का निर्देशन जाने माने कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, अनिल कपूर, बॉबी देओल, डेजी शाह, साकिब सलीम और फ्रेडी डारोवाला मुख्य भूमिकाओं में है। वहीं संजू में रणबीर कपूर, परेश रावल, सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा, करिश्मा तन्ना, विक्की कौशल, दिया मिर्जा और जिम सर्ब है। वैसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड नेवर मिस द वीडियो।